यहाँ पर हम कृपाल नगर में आए हैं, जो लुधियाना शहर का बाजार है भैया, जहाँ भी फैब्रिक मिलता है। तो जहाँ पर हम मिले आए हैं सैनी साहब से, और सैनी साहब जो सिविल डिफेंस है उसमें जाने के जो नौजवान हैं देश की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, उनको आगे लेकर आते हैं। तो सोचा कि चलते चलते आपको दिखाएं। वो देखिए जहाँ उनके पास पहुँचे हम, जहाँ सिविल डिफेंस वाले कुछ लड़के बैठे हैं, जब ये कोरोना COVID-19 आया था तब इन लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया था और गलियों में चौराहों पर खड़े होकर पब्लिक को कंट्रोल किया था इन लोगों ने। तो देखिए ये सिविल डिफेंस वाले जो लड़के हैं, हम इनसे अभी मिलाएंगे। ये सभी लोग यहाँ अंदर बैठे हैं और देखिए सभी जहाँ नौजवान जो बैठे हैं आपका हेलो। और देखिए जब वॉलंटियर सेवा है, जो अपने आप जाने के कोई नौजवान सेवा करना चाहता है समाज की, तो वो जहाँ पर सिविल डिफेंस में अपना, क्योंकि इनके पास पूरे सबूत होते हैं और डिप्टी कमिश्नर से जो उनका रिकॉर्ड होता है उसमें ये सब नाम वगैरह दर्ज कराते हैं, फार्म वगैरह भरे जाते हैं। तो जब भी कोई जैसे COVID-19 आया था या कोई और भी प्रॉब्लम आती है समाज में, तो उसमें ये सब लोग सहयोग करते हैं। तो मेरे साथ सैनी साहब भी हैं, कुछ नौजवान भी जहाँ पर बैठे हैं, तो आपको इनसे भी बातचीत करवाएंगे कि ये कैसे जाने के समाज में अपना योगदान देते हैं, सेवा करते हैं। तो सैनी साहब देखिए सब फार्म वगैरह इनके पास हैं, देखिए जहाँ पर ये कार्ड वगैरह सबके नाम वगैरह लिखे होते हैं, और देखिए ये फार्म वगैरह ऐसे भरवाया जाता है। कोई भी जो नौजवान है सेवा करना चाहता है समाज की, तो इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि नौजवानों को देश की ज़रूरत है। अगर वो आगे आएंगे, सोशल काम करेंगे, लोगों को समझाएंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। थोड़ा कि ना जी और की काम करना स्टडी के साथ साथ सिविल डिफेंस। तो तुसी मैं ही एसी का काम करता सीगा जी, तो मैं नाल नाल अपनी रोटी भी लेया एसी करियर उसके साथ ये जाने के साथ बहुत काम है। एक नहीं जैसे सर्विस ही है। हां जी, मेरा नाम विक्रम शर्मा है, मेरा किराने का होलसेल का काम सीगा, लॉकडाउन के वक्त बंद हो गया सी, सो हम द्वारा मैं सप्लाई का काम करता नाल सी अपनी सेवा करते हैं पंजाब पुलिस सेवा हम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ही कर रहे हैं, चलिए आई चलाई हो रही है, बढ़िया चल रही है। बहुत सारे जाने के लोगों को लॉस भी हुआ है, तो फिर भी ये कोरोना के बाद अब फिर जो अपने आप को जाने के फिर मार्केट में लेकर आए हैं काम करने के लिए। तुसी काम करते हो? सर मेरा नाम सुच्चा सिंह है, मेरे पिज्जे शॉप है, पिज्ज़ा बर्गर दे ये शॉप है ना, पिज्ज़ा वगैरह जो भी है उसका भी। ये देखिए ये भी मेरे साथ भाई साहब बैठे हैं, वर्खा सिंह जी, फार्मर जी, अक्षय कुमार, एलुमिनियम। मेरा नाम दीपक शर्मा जी, तो मैं कार डिस्पोजल का काम करता हूँ, स्पेयर पार्ट। देखिए यहाँ पर सब कोई ना कोई काम करते हैं, और काम करने के साथ साथ ये सेवा भी करते हैं। जब पीछे से आए थे ना, जब कोरोना आया था, तो यही लोग खड़े थे चौराहों के ऊपर, पुलिस वाले पीछे अटके थे, लेकिन ये आगे सबसे इन्होंने जो वॉरियर बोलते थे कि ये सबसे बड़े योद्धा थे। तो सब भाई जी नाल सेवा कर रहे हो। सैनिक मेरा नाम जोर सिंह है जी, तो जी असं लॉकडाउन के पीछे बहुत सेवा की। और देखिए हम लोग इस समय सिविल डिफेंस वालों के दफ्तर में बैठे हैं। देखिए सबसे बड़ा काम होता है किसी की मदद करना, मदद तभी होती है जब आपके दिल में कोई जज्बा हो या कुछ करने की हिम्मत हो। तभी बता रहे थे ये जोत सिंह की तस्वीर। हाँ जी, जोत सिंह मेरा नाम है जी। सानू ही 5 साल हो गए सैनी साहब जुड़े तो, मेरा इलेक्ट्रीशियन का काम है घर च। ये सबसे बड़ा जो सिविल डिफेंस वाले हैं। और देखिए सैनी, मिस्टर सैनी भी मेरे साथ बैठे हैं। और सैनी साहब कितना लगा बहुत वधिया लग रहा है जी। आप कोरोना के समय के सारे वॉरियर्स ने वध चढ़ के हिस्सा लिता, तो सारिया ने अपना जिहड़ा घर के काम सारे चीज़ों परे रख के अपनी
सेफ्टी जिहड़ी हैगी है उस चीज़ नू नज़रअंदाज करते हुए लोगों की सेफ्टी की सब ना वड्डा जिहड़ा एक जिहड़ा उन्होंने एफर्ट किया उस टाइम के उत्ते जो सारे लोग अपने घर के अंदर बैठे थे। बड़ी खुशी होंगी है जो लोग इस चीज़ में सराहते हैं, इस चीज़ में एप्रीशिएट करते हैं। देखिए एप्रीशिएट ही करते हैं लोग, ये सबसे आगे होकर मैदान में आते हैं। और महिंदर सैनी जो बैठे मेरे सामने, कोई पैसा नहीं मिलता, कोई यानी कि इन्होंने कोई तनखा नहीं है, वलंटियर ने अपना कारोबार छड़ के जाते थे भी अच्छा एक बंद का 20 रुपये घंटे का यानी कि खर्चा की नहीं ना 600 रुपये दिहाड़ी होंगी बंद की, 8 घंटे काम करता उसे आप ही अंदाजा ला लो एक घंटे का बंद किन्ने पैसे पैंदे है। फिर भी देखिए 2 घंटे उत्थे बैठे हो गए है, ये अपना 50-100 रुपये का काम छड़ के बैठे ने, बाकी ड्यूटी से जाते तभी आप काम छड़ते हैं। होर आ गए ने भाई साहब, थोड़ा कि ना जनाब? हाँ जी हाँ जी, मैंने 5 साल हो गए नाल मेरा बेल्डिंग का काम है। एलुमिनियम वाले बेल्डिंग वाले इलेक्ट्रीशियन सारे थोड़े को सारे बंदे है, है? तो देखिए मैं तरी तुम दसो कहो जो फील करते सारी जी लिखाई पढ़ाई करते मिलता नहीं है प्यार मिलता या लोग घट्टो घट 25-30 साल तो सिविल डिफेंस के एक वलंटियर तौर पर भी काम किया। और उस तो बाद मैं सिविल डिफेंस डिवीजन नंबर 1 का जो इंचार्ज बनाया बड़ी खुशी हुई। लोगों के जो असी जाने तो लोग ये कहते हैं कि तुम अपना कारोबार भी करते हो कि यही काम करते हो, असं कहने जो सानू समाज की सेवा करके मज़ा आता है वो वर्गा कोई मज़ा नहीं। और जी साड़ी सिविल डिफेंस है ये साढ़े ऑल इंडिया लैवल तो जिवें दिल्ली है हरियाणे च है इस तरह जगह जगह हैगी है और होम मिनिस्टर के अंडर है तो साढ़े लोकल DC साहब ये इंचार्ज ने, उस तो थले साढ़े चीफ वार्डन जेडे कि सरदार गुरचरण सिंह जी शिंगार सिंह मेरे मालिक ने जोड़े वो ने, थले साढ़े 8 डिवीजन वार्डन ने, इस तरह डिवीजन जोड़िया बनिया हुई हैं। और साढ़े को घट्टो घट भी 300 वलंटियर हैगा जिहड़ा कि एमरजेंसी टाइम पर जिहड़ा फील्ड जाके समाज की सेवा करता है, जिवें करोना विच बहुत सेवा की साढ़े मुंडिया ने अपने कोलों तेल फूक के रात के 12-12 बजे तक लोगों के घर जाके लोगों मतलब कि गाइड किया कि इस करोना की बीमारी तो बचना है तो किवें बचना है सारा कुछ समझाते रहे हैं असी। और जिहड़े बाहर गड्डियां भर भर के जिहड़ियां गईयां ने बिहार UP नूं वो भी साढ़े मुंडिया ने ट्रेनों के जाके कंट्रोल करके बिठा के भेजे है DC साहब के नाल रलते हुए साड़ी पुलिस के नाल मदद करते हुए बहुत ज़्यादा काम किया। कदे भी कोई भी आफत जिहड़ी कि कुदरती आती है जिवें बाई दिवे कोई फ्लड आ जाता है कि अग लग जाती है किसी भी ढंग का हादसा वापर जाता है उत्थे साढ़े वलंटियर जिहड़े 24 घंटे तैयार रहिंदे है। जदों भी साढ़े कोई मतलब कि पुलिस है जां कोई भी डिपार्टमेंट डिमांड करता कि सानू बंदे भेजे जाण तो असी उस टाइम उत्ते बकायदा लैटर दे के तो उन्होंने बंद उत्थे भेज दें। साढ़े मुंडे यहोजे भी नहीं जे ट्रेनिंग नागपुर जाके जा साढ़े मोहाली ट्रेनिंग होंगी है उतो ट्रेनिंग लैके भी आए हैं। तो बाकी सरकार को तो वैसे असी मंग जरूर करा भी जोड़े वलंटियर बेचारे दिन रात सेवा करते हैं कोई इन्हों की तनखा नहीं है ना अज तक साड़ी कोई तनखा है जी असी काम करते हैं पर निष्काम सेवा है निष्काम सेवा करते हुए जोड़े वलंटियर ने। अगर कोई भी सरकारी तौर पर भर्ती होंगी है तो इन मुंडिया के जोड़े यंग मुंडे ने काम करने वाले ने उन्होंने लैके उन्होंने भर्ती किया जाए चाहे किसी भी डिपार्टमेंट हो ताकि होर भी आने वाली जी पीढ़ी है उन्होंने हौसला बुलंद हो निष्काम सेवा के ही बंद चुन लिया जाता है और उही कई बार बहुत वधिया काम करते हुए अगर पहुँच जाते हैं। साड़ी ये डिमांड है कि मतलब कि अगर कोई भी जिदा करोना के सरकार को चाहिए कि ज़्यादा नहीं चलो 5-4 हज़ार रुपया तेल वास्ते 5-10 हज़ार रुपये कोई वड्डी गल नहीं है सरकार लई लखां करोड़ों रुपये जिते खर्च होंदा अगर इन्हों दिता जाए बड़ी वड्डी हौसला बधाई है। तो असीं सरकार नूं सेंटर की सरकार नूं ये कहांगे मोदी साहब नूं कहांगे कि होम मिनिस्टर के अंडर एक वड्डी सिविल डिफेंस जी है वह थोड़ी जी गौर की जाए ताकि साढ़े मुंडिया के हौसले बुलंद हो लोगों की सेवा करन। उन्होंने बताया कि सिविल डिफेंस के जो नौजवान थे जिन्होंने सेवा की है सब नौजवान मैंने अभी आपको दिखाए हैं कोई ना कोई छोटा मोटा कारोबार करते हैं मजदूरी करते हैं लेबर करते हैं और जब ये घर से निकलते हैं तो तेल भी इनका अपने लगता है लेकिन जब इन्होंने कोरोना में अपना काम किया किसने 2 महीने किसने 4 महीने पूरा साल भी किसने काम किया लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली लेकिन इनको सम्मानित करना चाहिए सरकार को इनका हौसला बढ़ाना चाहिए। और जब भी कोई सरकारी नौकरी होती है इनके जो जैसे जो काम करते हैं वैसे कोई नौकरी है तो सरकार को चाहिए कि इनको प्रेफरेंस दें इनको पहले नौकरी दें यही मांग करते हैं लेकिन सब हैं नौजवान जो देश के नौजवान तो हम यही कहेंगे सरकार को कि नौजवान जो बिना किसी लालच के जहाँ पर सेवा करते हैं इनकी मदद करनी चाहिए। धन्यवाद सैनी साहब, चलते चलते आए थे आपसे बातचीत कर लिया है।